जनपद में सांप्रदायिक दंगे के दौरान दर्ज हुए एक मुकदमे में मामले में 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें गवाहों के कोर्ट में पेश न होने के कारण न्यायालय ने अगली तारीख 7 जनवरी की दी है। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में 2013 में कवाल कांड के बाद नंगला मंडरौद में हुई पंचायत खत्म होने पर जैसे ही लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, तभी अचानक कुछ सांप्रदायिक लोगों ने पंचायत से वापस लौट रहे लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों ने दर्जनों ट्रैक्टर भी चलाए थे। जी, आज कोर्ट में है, क्या मामला है? ये 2013 के जो दंगों में जोली नहर पे जो ट्रैक्टर ट्रोलियों में जब वापसी पंचायत से आते हुए जो हुआ था, उसी में मेरा नाम भी लिप्त हुआ था पिताजी की हत्या के बाद में। तो पिताजी की हत्या के बाद में जब 2014 में जो केस हुआ था, तो उसमें मेरा भी नाम झूठा लिया गया था, तो उसी के उसमें आज तारीख तो पिता की हत्या हुई थी। हाँ जी, पिताजी की हत्या हुई थी। तो फिर लेकिन फिर सपा सरकार का था, आपको पता ही है उस टाइम क्या माहौल चल रहा था, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उल्टा मुकदमा मेरे ही सिर लिखा हुआ था। दंगे में पिता की हत्या में आपका ही नाम लिखा दिया? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली जब पलटी गई थी तो उसमें हमारे यहाँ से 3 इंजर्ड हुए थे, और 3 बसेड़ा से और रहमतपुर से अजय जो और पिताजी से उनवीर सिंह, जब हत्या उपरांत उनकी 3 दिन बाद बॉडी मिली थी, तो उसके खिलाफ़ मैंने मुकदमा लिखाया था। तो सपा सरकार ने फिर उस मुकदमे को दाबने के लिए मेरे ऊपर फिर SIT द्वारा जांच में मेरा नाम इन्वॉल्व किया था। तो आज कितने लोग इसमें तारीफ पाए? 9 लोग थे, 16 है इसमें, कुछ माफीनामे में थे इसमें।